कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज के बाजार में हम लोग आज की खबरों में बात करेंगे सरसों के मार्केट के बारे में। सरसों में जो बढ़त हुई थी वो तेजी के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद दाम इसके सरसों के काफी ज्यादा नरम देखे गए। नेफेड की बिकवाली भी बढ़ गई थी, लगातार 10,000 टन के ऊपर नेफेड की बिकवाली सरसों के बाजार में दर्ज करी गई। नेफेड द्वारा अब तक 2,00,000 टन सरसों की बिकवाली करी जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर की तरफ देखा जाए तो मजबूती बनी रहने से सरसों तेल में सुधार देखने को मिल रहा है। सोया तेल के भाव में मजबूती को देखते हुए सरसों तेल में 2 से 2.5 रुपए प्रति किलो तक की बढ़त दर्ज करी गई। हालांकि सप्ताह के अंत तक पिछले सप्ताह के अंत तक ऊपरी स्तरों पर मांग अटकने से भाव में नरमी भी दर्ज करी गई। सरसों तेल के जो अंतर है वो सोया तेल से घटकर 10 रुपए प्रति किलो हुआ, जो कि पिछले सप्ताह से 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब का था। सरसों तेल के दाम ऊंचे दाम के चलते रिफाइन की उम्मीद ना के बराबर बनी रही। सीजन की शुरुआत में फसल के अधिक क्रशिंग करने के लिए जरूरी कि सीजन की शुरुआत में फसल की अधिक क्रशिंग करने के लिए जरूरी यह है कि सोया तेल की इंपोर्ट ड्यूटी को भी बढ़ाया जाए। सरसों तेल के ऊंचे उत्पादन और कैरी फॉरवर्ड के स्टॉक को देखते हुए सरसों के भाव फरवरी मार्च तक 5,550 से 5,100 तक फिसलने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। सरसों तेल के दाम MSP से नीचे फिसलने पर किसान और मिलर दोनों को भी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर सरसों अब अपने रेजिस्टेंस लेवल 5,775 के करीब पहुंचा और नई फसल से पहले सरसों के भाव 5,525 से 5,775 के बीच भी रहने का अनुमान नजर आ रहा है। तो ये तो बीते हफ्ते सरसों के बाजार के बारे में बात थी कि इस तरह से बीते हफ्ते कारोबार बाजारों में देखा गया और आने वाले समय में क्या रिफ्लेक्ट सरसों के मार्केट में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं आज के सरसों सीड के रेट के बारे में। तो आज 25 रुपए तक की नरमी के साथ सरसों सीड ने बाजार में कारोबार दर्ज किया गया। जयपुर का रेट जिसमें 5,625 रहा, 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। यहाँ दिल्ली का रेट 5,454 रुपए रहा, 50 रुपए तक बढ़े। बरवाला का रेट 5,200 से 5,550 के बीच देखा गया। हिसार में 5,400 का रेट सरसों सीड में देखा गया। इसके अलावा गोयलकोटा में सरसों सीड का रेट 5,450 रहा, 100 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार यहां दर्ज किया गया। ग्वालियर का रेट 5,100 से 5,200 के बीच का मार्केट में दर्ज किया गया। इसके बाद अगर बात करते हैं प्लांटों के बारे में तो सलोनी शमशाबाद में जो रेट देखा गया सरसों सीड का वो 6,050 रहा, 100 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। यहाँ पर सलोनी डिग्रेर का रेट 6,050 देखा गया, जहाँ पर भी 100 रुपए तक की नरमी के साथ कारोबार देखा गया। सलोनी आगरा कीमतें 5,950 रही, 125 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। सलोनी कोटा का रेट 5,900 देखा गया, जहाँ 100 रुपए तक की नरमी आई। ओवरऑल मार्केट में जो ट्रेंड है वो बाजारों में हफ्ते की शुरुआत गिरावट के साथ ही देखी गई, ट्रेंड निगेटिव भी दर्ज किया गया। जैसे जैसे सरसों की आवक बढ़ सकती है, सरसों के भाव 5,525 के नीचे फिसल कर 5,050 से 5,100 रुपए तक भी पहुंच सकते हैं। ओवरऑल एक सीमित दायरे पे कारोबार बाजारों में रह सकता है। सरसों सीड में बहुत ज्यादा आपको हम यहाँ से खरीदारी करने की सलाह नहीं देंगे, जरूरत के हिसाब से बाजारों में आप यहाँ से गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।